दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी न्यू नोटिस 2023 बिल्कुल आपके समक्ष यूपी ट्रिपल एससी के तहत एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जिसमें देख पा रहे हैं टोटल पदों की बातें कही जा रही हैं 288, यानी कहा जाए 288 पदों का जो है विज्ञापन आपके समक्ष जारी कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये जो 288 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, ये पीईटी 2022 के तहत बड़ी भर्ती आपके बीच में निकल कर आ रही है। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों पहले आपके बीच में दो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, आज इस भर्ती को मिलाकर तीसरी भर्ती आपके बीच में पेट 2022 के तहत आ गई है, जिसमें देख पा रहे हैं भर्ती का नाम आपके बीच में दिया जा रहा है दंत स्वास्थ्य विज्ञानी। अभी हम सारी डिटेल्स आपके बीच में दिखाएंगे और उसके नीचे देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है 30 जून से होगा आवेदन और आवेदन संबंधी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन आप सभी से करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखाना चाहेंगे। आपके बीच में ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगा है, आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या इतना दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा 2023। यहां देख पा रहे हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, यानी आज की डेट में इसका विज्ञापन जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि जो होगी वो 30 जून से आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और आवेदन शुल्क और सबमिट करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 20/7/2023 रखी गई है और शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 27/7/2023 तक आपका जो ऑनलाइन आवेदन वगैरह किया जाएगा। और आवेदन में अगर आपने कुछ त्रुटियां कर रखी हैं तो 27 तारीख तक आप संशोधन कर सकते हैं। विशेष कथन में आप देख पा रहे हैं उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20/7/2023 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन जो है अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक शुल्क का समायोजन 20/7/2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतः 7 दिवस के अंदर अर्थात 27/7/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या इतना दंत स्वास्थ्य विज्ञानी जो है के अंतर्गत महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ नियंत्रणाधीन जो है दंत स्वास्थ्य विज्ञानी डेंटल हाइजेंटिस्ट कुल रिक्त 264 सामान्य। यहाँ आप देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज आपके बीच में दिया जा रहा है और 24 विशेष चयन यानी 288 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और यहाँ देखिए लिखा जा रहा है अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टिंग उसके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 पेट यानी के स्कोर कार्ड के आधार पर। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा जो है स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जो है वो जारी किया गया है। यहाँ अगर आप पेट 2022 का एग्जाम आपने दिया था तो वही आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आवेदन की प्रक्रिया आप किस प्रकार से कर सकते हैं। हालांकि ये साइबर कैफ पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है पता चल जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश आपके बीच में दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे आप सब चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ देखिए आवेदन संबंधी जो है दिशा निर्देश फोटो तथा हस्ताक्षर अन्य विवरण आपके बीच में दिया जा रहा है। हम सारी चीज़ों को आपके बीच में दिखाते हुए चल रहे हैं। अगर आपको इस PDF की ज़रूरत पड़ रही है तो बिल्कुल आप जो है लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ देखिए दिया जा रहा है, आवेदन शुल्क को समझने का प्रयास करेंगे जो है हर कैटेगरी के लिए चाहे वो अनारक्षित यानी कहा जाए जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ देख पा रहे हैं सभी कैटेगरी के लिए ₹25 का शुल्क रखा गया है। आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिला दिव्यांग और अभ्यर्थियों के लिए अनुसार कोई शुल्क देय नहीं होगा। अगर आप विकलांग हैं तो आपके लिए कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। फॉर्म का प्रिंटआउट लेना होगा आपको और आवेदन पत्र संबंधी
हमने आपको बताया कि आप कब संशोधन कर सकते हैं, और उसके नीचे देख पा रहे हैं वर्तनी गलती जो है अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र विवरण संशोधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदन में अन्य विवरण संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नाम में वर्तनी की गलती अगर आपकी हो गई है तो नहीं आप सुधार सकते हैं। यहाँ देखिए चीज़ों को आप देख पा रहे हैं क्या क्या चीज़ आप सुधार कर सकते हैं। एक पदों का विवरण आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा और हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए कुल विज्ञापन एवं उसके लंबता आरक्षण का विवरण आपके बीच में दिया जा रहा है। देखिए 21 पेज का PDF है, जो है सारी चीज़ों को हम जो है एक सरसरी निगाह से आप देखते हुए चलेंगे। अहर्ताएं दिया जा रहा है, अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता उत्तर प्रदेश दंत स्वास्थ्य विज्ञानी दंत मैकेनिक सेवा नियमावली 1993 के भाग 4 के नियम 8 के अनुसार सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दंत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या डिप्लोमा अवश्य प्राप्त कर लिया हो, उसका जो है स्टेट डेंटल काउंसिल उत्तर प्रदेश जो है में पंजीकृत होना भी आवश्यक है। ठीक है, आप के पास योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता के बारे में आपने देखा। अधिमान्य अहर्ता क्या होनी चाहिए, जिसमें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तथा सेवा की हो, और यहाँ देख पा रहे हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, आयु देख पा रहे हैं 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और 40 वर्ष से आपकी जो एज हो वह अधिक नहीं होना चाहिए। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा होगा, यानी हमने सारी चीज़ों पर चर्चा कर दिया जो आपके लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। 30 जून से आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में हमने सारी चीज़ों पर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, पेट 2022 के तहत यह भर्ती है। अगर आपके पास पेट 2022 का वैध स्कोर जो है स्कोर कार्ड मौजूद है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।